अस्सलाम वालेकुम, शेख आयशा फातिमा, शेख मोइन। आज आपने 90% के अबव मार्क्स लाया है, तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हो? इसका श्रेय मेरे मामू, मेरे नानी, मेरे अम्मी, अब्बा, खालू और मेरे टीचर्स, ये सब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। इसका क्रेडिट पूरा उनको ही जाता है। उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है और मेरे को सपोर्ट किया है, उसके बाद ही मैं ये मुकाम पर आई हूँ। आप अब 10th पास हो चुके हो, कर चुके हो, तो इसके आगे आपका क्या इरादा है और आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर में? अभी हम साइंस से एडमिशन लेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम IAS का एग्ज़ाम दें और कलेक्टर बने। आज हम मौजूद हैं MTN समाचार के तरफ से डायमंड हॉल के पास, और आज हम मौजूद हैं मिर्ज़ा सलीम बेग के घर पे, और आज यहाँ पे इनकी भांजी आयशा फातिमा, जो कि 10th पास हुए हैं और इनका परसेंट आया है 90% के अबव आया है। आइए हम इनके अहले ख़ानदान से एक दो शब्द इस ताल्लुक से बात करते हैं। बच्ची आज 10th पास हुई है, परसेंट भी अच्छा आया, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है, हमारी बच्ची पास हुई, 91% ली उन्हें, और उसकी मेहनत भी है, साथ साथ उनके मामू जान की मेहनत भी है बहुत है, और पूरे अहले ख़ानदान की मेहनत है, इसलिए आज वो अच्छे नंबर से पास हुई। आपकी बच्ची आज 10th पास हुई, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे और उसको पढ़ाना चाहते हैं। क्या पढ़ाना चाहते हो आप बच्ची को आगे? वो जो क्या जो IAS का करना चाहती हो। IAS की स्टडीज करना चाहती हो? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, 89 है हमारी, बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। मुझे बहुत दिली खुशी हुई कि वो अच्छे नंबरों से बगैर ट्यूशन के उसकी मेहनत है और वो कामयाबी हासिल करी, और अल्लाह ताला उसको ऐसी कामयाबी दे, हर इसमें अच्छी कामयाबी दे उसको, यानी इम्तिहान में भी और उसके ज़िंदगी में भी, मेरी यही तमन्ना है। हम सब बहुत आज खुश है उसके कामयाबी के वास्ते, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत उसी की है, इसलिए बहुत खुश है हम सब। क्या नाम है? मिर्ज़ा सलीम, मेरी भांजी है वो,
और मुझे बहुत खुशी है आज उन्हें दसवीं में जो है तो अच्छा परसेंटेज ला के पास हुई है। और मुझे इस बहुत ही इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप तमाम शहर औरंगाबाद के अंदर जो स्टूडेंट्स पास हुए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख नूर मोहम्मद अब्दुल रहीम, मैं बच्ची का रिश्ते में नाना लगता हूँ। बच्ची ने बहुत ही मेहनत के साथ और अपनी दिली सब चीज़ों को वो करते हुए बीच में एक बड़े हादसे के वजह से एक गम भी टूटा था, वो सब चीज़ों को बाजू रखते हुए उसने इतनी मेहनत की कि आज बयान नहीं कर सकते। और बहुत ही खुशी हुई इस बच्ची के साथ साथ तमाम जितने बच्चे पास हुए सबको मुबारकबाद। हमको बहुत अच्छा लग रहा है आयशा दीदी पास हुए, तो हम भी ऐसी पढ़ के मेहनत करेंगे और पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा फातिमा, जो बगैर ट्यूशन के सेल्फ स्टडी करके बच्ची कामयाब हुई है। और ये जो मेहनत है ये बच्ची की मेहनत और उसके नानी उसके मामू की मेहनत है। और मैं सब बच्चों से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि किसी भी मजबूरी को परेशानी को एक तरफ साइड में रखते हुए अपनी स्टडीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा चाहे और अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो इंसान हर इम्तिहान में पास हो सकता है और अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। आप तमाम बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? शहर औरंगाबाद के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं कुछ भी हो अपने साथ सिर्फ अपने को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, उसको अच्छे से अपने एक एम बनाना चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ बनना है अपने ज़िंदगी में। और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी वो मत करे, मतलब अपने पढ़ाई के आगे कुछ ना रखें, बस अपनी पढ़ाई को पहले फोकस करें, उसके बाद जो हो वो, और अच्छे से मेहनत करके अपन जो बनना चाहे वो बने। तो आज आपने देखा, हमने आयशा से बात की है और इनके अहले ख़ानदान से बात की है, और ये काफ़ी खुशी की बात है आज इनके अहले ख़ानदान के लिए कि आज इनकी बच्ची आज काफ़ी 90% के ऊपर अबव मार्क्स ला के आज इन्होंने काफ़ी अपना नाम तो रोशन किया ही है, अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन किया है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MTN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।